हेलो फ्रेंड्स, जहाज कुछ ही दिनों में अबोनी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदोरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खलासियों के बीच घिरे हुए कमरुज्जमा को लेकर युवराज के पास पहुंचा। बदोरा उसे मैले कुचेले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, किंतु यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्योद्घाटन करना ठीक न होगा। उसने कमरुज्जमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमरुज्जमा को उसके पास भेजा गया तो बदोरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान के खिलत और 2,500 रुपये का पारितोषिक भी दिया। उसे कमरुज्जमा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरुज्जमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदोरा ने उसे यंत्र युक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नष्ट। कमरुज्जमा को वह यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज़ बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और इसने लगभग अधमुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूँ। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊँ तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदोरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तारपूर्वक बाद में सुना जाएगा, अभी तुम कुछ देर यही मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। यह कहकर वह अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांधा जिसमें से खोलकर कमरुज्जमा उसका बटुआ ले गया था और फिर से बटुए में से यंत्रखचित मणि को निकाल कर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भगा था। कमरुज्जमा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के युवराज की सेवा मुझे इतनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राण प्रिया से मिल सका हूँ। बदोरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ जब तुम्हें अब दिखाई न देगा, क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। यह कहने के बाद उसने कमरुज्जमा से बिछुड़ने के दिन से लेकर उस दिन तक का पूरा हाल कहा। कमरुज्जमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहाँ आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निद्रा मग्न हो गए। सुबह बदोरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवोनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ है? बदोरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन की बादशाह की बेटी और खलदान देश के राजकुमार की पत्नी हूँ। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृत्तांत सुने, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आद्योपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूँ। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दे। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कमरुज्जमा को देखने की इच्छा की। बदोरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं अपनी बेटी यातुन नफ्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम उससे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरुज्जमा ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदोरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतएव उसका विवाह धूमधाम के साथ अबोनी की शहजादी के साथ हो गया और दोनों स्त्रियाँ आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरुज्जमा बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुज्जमा ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च किया। बदोरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबोनी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ।
दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे, बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीति और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुज्जमा ने यह बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरुज्जमा ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करे तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुत्र राज्य प्रबंध कर जाया करे। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थी, यानी बदौरा को असद अधिक प्रिय था और यातुन नफ्स को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों यह चाहने लगी कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सौतों की ओर से फेर दे। एक दिन बदौरा का पुत्र अमजद राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। यह पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के दो टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी माँ बदौरा को दिखाया, वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी, यातुन नफ्स ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने ना आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी माँ के महल में जाकर उसे बदौरा के पत्र की बात बताई। वह यह सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है, बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला, अब तू मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए थे ताकि विमाताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरुज्जमा के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदौरा और यातुन नफ्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचे। कमरुज्जमा के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरुज्जमा भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी ही माओं को लांछित करे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि ये दोनों मार डाले गए हैं। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा, अगर उनकी यही इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंदर ने यह समझा कि इस तरह हल कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार से दोनों खत्म हो जाए। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंदर का घोड़ा भिदक कर भागा। जिंदर ने सोचा कि यह तो बंधे ही है, कहाँ जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाओ। वह घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भागदौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोता हुआ एक शेर जागकर बाहर निकल आया और जिंदर के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंदर को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे कब तक बंधे रहेंगे। यह सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंदर की तलवार उठाई और दोनों उधर दौड़े जिधर जिंदर और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंदर पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वह अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही वार में शेर के दो टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़कर गया और जिंदर का घोड़ा ले आया। जिंदर को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि तुम आप पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंदर ने दोनों की ओर देखा, शेर की लाश को देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिकों, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपके प्राण लूँ, यह तो हरगिज नहीं हो सकता, किंतु आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दे जिससे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारे कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहाँ से किसी अन्य देश को चले जाए। उन दोनों ने ऐसा ही किया और जैसा जिंदर ने कहा था।
जिंदर उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरुज्जमा के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा। कितने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया। उनके वस्त्रों की जेबों में वे पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरुज्जमा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ कि निर्दोष राजकुमारों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाड़े खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा अत्याचारी पिता भी इस संसार में कहाँ होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी न देखूंगा। उसने अपनी दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डलवा दिया। इस पर भी उसे चित्त को शांति न थी और वह रात दिन अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता और दूसरा पहरा देता ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। एक मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वही गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और तीन दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया, वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चले। असद बोला, ये ठीक नहीं है, संभव है वहाँ कोई खतरा हो। जाना पहले एक ही को चाहिए, कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यही ठहरो, मैं जाता हूँ और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा यहाँ का बाजार कहाँ है, मुझे अपने और अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो। उसने कहा हाँ। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, बेटा तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो, वहाँ प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर खाना और अपने भाई के लिए भी जितना चाहे ले जाना। यह कहकर वह छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्नि पूजक धोखे से मुझे यहाँ ले आया है और मेरा न जाने क्या करेगा। उस बूढ़े ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुँचाया है। फिर उसने गजवान पुकार कर कई आवाज़ें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हक्षी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को जमीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियों बोस्तान और कैवाना के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक दो छोटी रोटियाँ और एक लोटा पानी दे दिया करें ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्नि देवता के बलिदान का दिन आएगा, तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्नि देवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेशानुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहां बोस्तान और कैवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और एक लोटा पानी भी रोज दे देती, जिससे उसके प्राण बचे रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख होता, किंतु साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले मुझे पर मुसीबत है, मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि यह कौन सा नगर है। उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहाँ कहाँ से फंसे। यह अग्नि पूजा नगर है, क्योंकि यहाँ सब अग्नि पूजक रहते हैं। अमजद ने कहा कि अवोनी नगर यहाँ से कितनी दूर है। उसने कहा, जल मार्ग सरल है, इससे वहाँ 4 महीने में पहुँच जाते हैं। थल मार्ग में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उसमें 2 महीने ही में पहुँच जाते हैं। अमजद आश्चर्य से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने
ही में यहाँ पहुँच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस बीहड़ रास्ते से कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी, वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्निपुचक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है, तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। एक महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहाँ पर हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहाँ ले जाओगी वही चला चलूंगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री हूँ। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहाँ ले जा सकता हूँ, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहाँ इसे ले जाता हूँ तो वह क्या करेगा? इसीलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्लज्ज स्त्री भी उसके पीछे हो चली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसीलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंततः वह थक कर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहाँ सामने चबूतरे पर चौकियाँ बिछी थी। वह थक कर एक चौकी पर बैठ गया, स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोलकर अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की चाबी मेरे दास के पास है जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे उबकर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी देर तक बाजार से नहीं आया, जब वह आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा? अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ हुई तो यह तो औरत है, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझी को सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है? विवश होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बैठक वाली दालान में गए। वह दालान बहुत साफ सुथरी और सुरम्य वस्तुओं से सजी हुई थी। एक और कई सुंदर पात्रों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक और शीशे की सुराइयों में सुवासित मदिरा भी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर जाकर आकर मेरी पिटाई कर देंगे। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है, यहाँ तो इतना उत्तमोत्तम सामान रखा हुआ है, मालूम होता है तुम्हारा गुलाम यह भोजन फल आदि रखकर कहीं और चला गया है, और तुम कहीं इसीलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई? तुम चिंता न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूँगी और उसे मना भी लूँगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन यह भोजन मेरे खाने योग्य नहीं है, मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है, मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसीलिए कुछ खा नहीं रहा हूँ। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। दो चार ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भर लिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया। वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गुरु स्वामी के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दे, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा, किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। स्त्री उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा, किंतु गृह स्वामी ने उसको संकेत दिया कि चिंता न करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही घुड़साल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था।
इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्र को भोज पर बुलाया था और इसीलिए सारा सामान ला रखा था, किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघु शंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया है कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहाँ मैं निवास करता हूँ और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूँ। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूँ, मैं कुछ देर में गुलामों के से कपड़े पहनकर आता हूँ। आप मुझ पर नाराज़ हो बल्कि मुझे मारे भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिलाकर विदा करें। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक भोजन करें। शहजादा यह सुनकर अंदर गया और खाने पीने लगा। बहादुर घर के बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुँचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है, मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर ही से वापस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहनकर आया और शहजादे के पैरों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहाँ मर रहे थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। अमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर दो चार बार बहादुर को हल्की हल्की चोटें दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, देखो सजा ऐसे दी जाती है। यह कहकर उसने चार छह छड़ियां पूरे जोर से मारी और बहादुर बिलबिला उठा और चिल्लाकर रोने लगा। अमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोए। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि जरूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके।